नमस्ते बिटिया, जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लेवियर डिजीज, वन ऑफ द शुक्रवह स्रोतोगत व्याधि। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंसी और क्लेवियर। क्लेवियर जो है यह शुक्रवह स्रोतस का रोग है, स्रोतोगत व्याधि है। जिस रोग में रोगी मैथुन करने में असमर्थ होता है उसे क्लेवियर रोग कहते हैं। यह शुक्र धातु के दूषित होने से उत्पन्न होता है। क्लेवियर का अगर हम पर्याय देखें तो इसका नपुंसकता और षंडता जो है यह इसके पर्याय है। इसके रेफरेंस ग्रंथ जो हैं, जैसे कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 30 में, शुश्रुष संहिता शारीर स्थान अध्याय 2, शुश्रुष संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 26, भाव प्रकाश उत्तरखंड अध्याय 72, माधव निदान उत्तरार्ध, यहाँ पे जो है इनके रेफरेंस मिलते हैं डिजीज़ के। अगर हम क्लेवियर के भेद की बात करें तो चार प्रकार का बताया गया है इसका। बीज उपघात जन्य, ध्वज उपघात जन्य, जरा जन्य एवं शुक्रक्षय जन्य। अगर हम इसके निदान की बात करें तो कुछ इसके सामान्य निदान बताए गए हैं, जैसे कि अत्यधिक मैथुन से या फिर प्रकृति विरुद्ध आहार विहार से, अयोनि में मैथुन से या कटु तिक्त कषाय लवण अम्ल उष्ण आहार के अति सेवन से, स्त्री मनोनुकूल न होने पर, वीर्य का अधिक स्राव होने से, वृद्धावस्था में भय शोक चिंता क्रोध आदि के कारण क्लेवियर की उत्पत्ति हो सकती है, एवं शस्त्र कर्म क्षार कर्म अग्नि कर्म के अनुचित प्रयोग से, मल मूत्र शुक्र के वेग को धारण करने से, रस आदि जो धातुएं होती हैं इन धातुओं के अत्यंत दूषित हो जाने से जो है क्लेवियर रोग की उत्पत्ति होती है। वैसे जो है अगर हम इसके कुछ विशिष्ट निदान भी वर्णित हैं, अगर हम इसके विशिष्ट निदान देखें तो जो अलग अलग भेद के अनुसार इसके विशिष्ट निदान बताए गए हैं, जैसे कि बीज उपघात से उत्पन्न अगर क्लेवे है तो उसमें शीत रुक्ष अल्पाहार सेवन से, सड़ा हुआ विरुद्ध आहार सेवन से, अजीर्ण में भोजन करने से, शोक चिंता भय आदि की वजह से, अधिक मैथुन करने से या पुरुष या स्त्री पर, पुरुष का स्त्री पर विश्वास न होने से या स्त्री का पुरुष से प्रेम न होने से, वमन आदि का उचित प्रयोग न होने से रोगी अत्यंत जो है दुर्बल हो जाता है तथा हृदय रोग, पांडु रोग, तमक श्वास, कामला, ज्वर आदि से पीड़ित रहता है। अगर हम ध्वज उपघात जन्य क्लेवे की बात करें, जिसको ध्वज भंग भी कहा गया है, तो इसका जो है अम्ल लवण क्षार का अति सेवन करने की वजह से या विरुद्ध एवं असात्म्य आहार का सेवन करने से, विषम भोजन करने से, गुरु पदार्थ दूध दही के अति सेवन से, आनुक मास के अति सेवन से, कन्याओं के साथ में जो है मैथुन से, योनि रोग से पीड़ित रजस वाला दुर्गंधित योनि, जिस स्त्री ने बहुत दिनों तक मैथुन न किया हो, या हस्त मैथुन करने से, मूत्र इंद्रिय में आघात लगने से, मैथुन पश्चात इंद्रिय प्रक्षालन न करने से, मूत्र इंद्रिय पर शस्त्र दंत नख आदि से क्षय हो जाने से, शुक्र के वेग को रोकने से लिंग से सदैव दुर्गंध आती है, इसके पश्चात मूत्र इंद्रिय व अंडकोश जो है ये सड़कर गिरने लग जाते हैं। अगर हम वृद्धावस्था जन्य क्लेवे की बात करें तो वृद्धावस्था में प्राय मनुष्यों का शुक्र क्षीण हो जाता है, यह स्वाभाविक होता है। वृष औषधियों का सेवन न करने से, पूर्ण रूप से आहार का सेवन न करने से, अधिक परिश्रम करने से शरीर विवर्ण दुर्बल दीन हो जाता है एवं शीघ्र ही अनेक प्रकार की व्याधियों से आक्रांत हो जाता है। यहाँ पे अगर जो हम जैसे शुक्रक्षयजन्य क्लेवे की बात करें तो अधिक चिंता शोक भय क्रोध ईर्ष्या की वजह से, क्रश होने पर भी रुक्ष आहार का सेवन करने से, असात्म्य आहार सेवन करने से, अधिक मैथुन करने से, इसलिए जो है आरोग्य की इच्छा रखते हुए भी रोगी जो है उसका निम्नोक्त कारणों की वजह से शुक्र जो है उसकी विशेष रूप से
क्षय हो जाता है। अगर हम व्याधि की संप्राप्ति देखें तो जो सामान्य एवं विशिष्ट विभिन्न प्रकार के जो निदान हैं, इनका सेवन करने से वातादि दोष प्रकोपित हो जाते हैं। वातादि दोषों के प्रकोप होने से शुक्र व शिराओं के अंदर दोषों का स्थान संशय हो जाता है। स्थान संशय पश्चात शुक्र की दुष्टि हो जाती है एवं क्लैव्य रोग की उत्पत्ति होती है। इसमें जो है सामान्य लक्षण, व्याधि में मैथुन की प्रबल इच्छा हो और मनोनुकूल स्त्री भी हो, लेकिन फिर भी लिंग में शिथिलता का होना ही क्लैव्य डिजीज कहलाता है। यदि मैथुन में प्रवृत्त हो भी जाए तो सांस फूलने लगता है, अधिक पसीने का आना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार मैथुन की सभी चेष्टाएं जो होती हैं वो विफल हो जाती हैं। अगर व्याधि की साध्यता असाध्यता देखें तो ध्वजभंग एवं क्षयजन्य साध्य होता है। इसमें भी मूत्र इंद्रिय के कट जाने पर एवं अंडकोश के सड़ जाने पर यह असाध्य हो जाता है। जन्मजात क्लैव्यता भी असाध्य होती है। चारों क्लैव्य भेद यदि त्रिदोषज हों तो असाध्य होते हैं। अगर हम व्याधि के चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो इसमें जो है जिन कारणों की वजह से व्याधि की उत्पत्ति हुई है उनका परिवर्जन करना चाहिए, निदान परिवर्जन करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे संशोधन चिकित्सा बताई गई है, जैसे कि स्नेहन स्वेदन, स्नेहयुक्त विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती आदि, वाजीकरण एवं रसायन औषधियों का प्रयोग, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, अभिचार से जो उत्पन्न नपुंसकता जो है उसमें दैव्यपाश्र चिकित्सा काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। इसी के अलावा कुछ विशिष्ट चिकित्सा भी बताई गई है, जैसे कि ध्वजभंग जन्य अगर नपुंसकता है ध्वजभंग जन्य नपुंसकता है तो स्नेहन स्वेदन विरेचन, स्नेहयुक्त विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती एवं ध्वजभंग से उत्पन्न व्रण की अगर व्रणगत पूर्ण चिकित्सा करें, जराजन्य व शुक्र क्षयजन्य नपुंसकता में स्नेहन स्वेदन मृदु संशोधन यापना बस्तियां वृश्य योग आदि बताए गए हैं। अगर हम संक्षमण चिकित्सा देखें तो जो रस और भस्म है इनमें सिद्ध मकर ध्वज रस, रसराज रस, बसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण बसंत मालिनी रस, पुष्प धनवा रस, कामिनी विद्रावण रस, मनमंथ रस, शिलाजीत आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी के लिए अलावा अगर हम वटी देखें तो चंद्रप्रभा वटी, वानरी गुट्टिका, शुक्र स्तंभन गुट्टिका, चूर्ण अश्वगंधादि चूर्ण, शतावर आदि चूर्ण, नारसिंह चूर्ण, आसव अरिष्ट देखें तो अश्वगंधा अरिष्ट, घृत शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत, तेल में स्थानिक प्रयोग के लिए अश्वगंधा तेल, श्री गोपाल तेल, महाचंदनादि तेल, अवले च्यवनप्राश, अवले मुसली पाक आदि। व्यवस्था पत्र जो है अगर हम इसमें देखें व्याधि के अंदर तो सिद्ध मकर ध्वज रस, पुष्प धनवा रस के साथ चंद्रप्रभा वटी, शतावरी आदि चूर्ण आदि उष्ण दुग्ध के साथ में दिया जा सकता है। इसी के अलावा हरित की चूर्ण दे सकते हैं। योग में जैसे अश्विनी मुद्रा, शवासन, प्राणायाम आदि दे सकते हैं और रोगी को प्रसन्नचित रहना भी अति आवश्यक है। इसी के अलावा अगर हम विशेष चिकित्सा देखें तो अश्विनी मुद्रा, इसमें व्यक्ति सुखासन में बैठे सांस अंदर लेते हुए मल द्वार को अंदर की ओर खींचे, इससे जननांग भी स्वतः अंदर की तरफ खींच जाते हैं।
5 से 8 सेकंड के लिए इसी मुद्रा में रहे, फिर विश्राम की अवस्था में आ जाए। इस क्रिया को 5 से 6 बार करें। यह क्रिया शास्त्रीय अश्विनी मुद्रा से कुछ भिन्न है। इसी के अलावा अगर हम इसमें देखें तो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्यूबोकॉक्सीजियस मसल की जो पावर है उसको बढ़ाता है एवं प्री मेच्योर इजैकुलेशन के अंदर लाभकारी रहता है। केवल एक मुद्रा एवं कोष्ठ शुद्धि से ही शीघ्र पतन जो है उसमें पूर्ण लाभ मिल जाता है। औषधियों में कुचला के योग अत्यंत लाभकारी होते हैं, जैसे कि अग्नितुंडी वटी। अगर हम इसमें पथ्य देखें तो घृत, दूध, मधु, मांस रस, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट आदि, ये सभी पथ्य बताए गए हैं। इसके अलावा स्त्री स्पर्श, माला धारण, मित्रों के साथ साथ मधुर संगीत, अभ्यंग, पूर्ण विश्राम आदि को पथ्य बताया गया है। अगर हम अपथ्य देखें व्याधि के अंदर तो गुरु, विदाही, अभिशंधी आहार, सरसों का तेल और वेग धारण, मलमूत्र आदि का जो वेग धारण करना, रात्रि जागरण करना, अधिक परिश्रम करना, चिंता मैथुन आदि को अपथ्य बताया गया है। अगर हम शुक्र के दोष देखते हैं तो शुक्र में 8 प्रकार के दोष बताए गए हैं, जैसे कि शुक्र बहुत फेनिल हो, फेन युक्त हो, तनु हो, पतला, रूक्ष हो, विवर्ण हो, 5 जो है पूती या दुर्गंध युक्त हो, पिच्छिल हो, रक्तादि से मिश्रित हो, या फिर अवसादी। अवसादी शुक्र होते, शुक्र निकलने के बाद भी अधिक दुर्बलता का अनुभव होना। इस प्रकार का जो है, इस प्रकार से शुक्र के अंदर कुल 8 प्रकार के दोष बताए गए हैं, जो कि जैसे अपथ्य आहार विहार का सेवन करने की वजह से, प्रॉपर खान पान का जो है या आहार व्यवहार का अनुचित पालन करने से, उचित तरीके से पालन ना करने की वजह से इस तरह की परेशानियां जो हैं वह देखने को मिलती हैं। तो अगर हम दूषित शुक्र के दोषानुसार, ये जो 8 प्रकार के शुक्र दोष बताए गए हैं, अगर इनको दोष के अकॉर्डिंग देखें तो वात से दूषित शुक्र जो है वह फेन युक्त, अल्प मात्रा, पतला और गर्भ उत्पन्न करने में असमर्थ एवं रूक्ष होता है। अगर हम पित्त से दूषित शुक्र देखें तो यह पीला वर्ण का, पित्त से दूषित शुक्र की वजह से लिंग में दाह होगा, उष्णता रहती है, दुर्गंध युक्त शुक्र की प्रवृत्ति होती है। एवं कफ से दूषित शुक्र जो है यह अत्यंत पिच्छिल होता है। अगर हम रक्त मिश्रित शुक्र देखें तो रक्त मिश्रित शुक्र जो है इसमें अधिक मैथुन से, चोट लगने से, शस्त्रादि से कट जाने से रक्त मिश्रित शुक्र जो है यह निकलता है। अगर ग्रंथि युक्त शुक्र देखें तो ग्रंथि युक्त शुक्र जो है मल मूत्र शुक्र आदि के वेगों को रोकने से कुपित वायु शुक्र को गांठदार बना देती है। जब शुक्र निकलने लगता है तो रोगी को अत्यधिक दुर्बलता जो है वह अनुभव होती है। अगर शुद्ध शुक्र के लक्षण देखें तो शुद्ध शुक्र के लिए कहा गया है कि शुद्ध शुक्र स्निग्ध होता है, घन होता है, पिच्छल होता है, मधुर होता है, अविदाही होता है एवं स्फटिक मणि के समान श्वेत वर्ण का होता है। ऐसा चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30 के अंदर कहा गया है। अगर हम शुक्र दोषों की चिकित्सा देखें तो वाजीकरण औषधियों से शुक्र दोषों की चिकित्सा की जाती है, रक्तपित्त नाशक चिकित्सा जो है वो दी जा सकती है एवं योनि व्यापद रोग नाशक चिकित्सा भी यहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं। दोषानुसार अगर हम चिकित्सा देखें तो वात से दूषित शुक्र की चिकित्सा के अंदर निरुह एवं अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाता है। पित्त से दूषित शुक्र की चिकित्सा स्वरूप अभिया अम्ल की रसायन का प्रयोग किया जा सकता है एवं कफ से दूषित शुक्र की चिकित्सा तो पिप्पली रसायन, आमल की रसायन, लोह रसायन, त्रिफला रसायन, भल्लातक रसायन आदि का प्रयोग किया जा सकता है। पथ्य अगर हम देखें तो इसके अंदर पथ्य घृत, दूध, मांस रस, शाली चावल, गेहूं, शाठी चावल, बस्ती कर्म आदि को पथ्य बताया गया है। अगर शुक्र क्षय के लक्षण देखें तो मेढ एवं वृषण के अंदर वेदना का होना,
मैथुन में असमर्थता होना, चिर प्रसेक होना, रक्त मिश्रित शुक्र की प्रवृत्ति होना, ऐसी अवस्था में रसायन एवं वाजीकरण औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस सेशन, प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।